श्री एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल जो है हम एंटर कर रही है हमारी गाड़ी, उसको बाईपास करते हुए व्यापनहल्ली बेंगलोर जो मेन लाइन है उसमें हमारी ट्रेन मिल जाएगी। सिर्फ 15 किलोमीटर कॉशन रहने वाला है अगले 10 मिनट तक, उसके बाद 110 की स्पीड पकड़ लेगी गाड़ी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल जो बिल्कुल बेंगलोर एयरपोर्ट पे मॉडल किया गया है। क्या इसका पूरा खूबसूरत एयरपोर्ट लुक देख रहे हो आप, कितने प्लांट्स वगैरह यहाँ लगा दिए गए हैं, ये लोको रखने के लिए लाइन है। इसके बाद सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल प्लेटफॉर्म नंबर 1 देख रहे हो आप, पूरा खाली। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे दूसरी गाड़ी लगी हुई है उत्कृष्ट कोच वाली। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे देख सकते हो एक LHB रैक रखा हुआ है। प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे भी एक LHB रैक रखा हुआ है। 5 का ट्रेन बोर्ड देख सकते हो, 6 पे भी एक कोच रखा हुआ है। इसके बाद ये गुड ट्रेन खड़ी है, इस कारण से वो दिख नहीं पाया। यार्ड में बहुत लंबा यार्ड है यहाँ का, आप देख सकते हो उत्कृष्ट मेमू खड़ी है यहाँ पे। साथ में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इलेक्ट्रिक और डीजल लोको है। नए LHB कोचेस भी यहाँ पे पार्क्ड हैं। यहाँ पे कुल 4 पिट लाइन्स अवेलेबल है। अभी ये टर्मिनल स्टार्ट होना बाकी है, आप इसका पूरा व्यू देख सकते हो, बड़ा व्यू। खूबसूरत कर्व लेती हुई अंग एक्सप्रेस, हमारा लास्ट कोच भी बिल्कुल कर्व ले चुका है, बिल्कुल सीधा होता हुआ। और ये बहुत लंबा, यहाँ पे आप कोचिंग डिपो देख सकते हो जिसमें 4 पिट लाइन बनाए गए हैं।